आए, दिल्ली क्या है मेरे लिए? दिल्ली एक अधूरी नज़्म की तरह है, वो नज़्म जिसका मज़ा सर्दियों की धीमी धीमी धूप में गर्म चाय की चुस्कियों के साथ लिया जाता है। और आज इसी सर्दी की धूप का मज़ा लेते हुए मैं आपको अपने फेवरेट प्लेस पे लेके जाती हूँ, जो मुझे बेइंतहा पसंद है। तो मैं कहाँ हूँ इस वक्त? मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ सुंदर नर्सरी, दिल्ली का हेरिटेज पार्क। ये पार्क बहुत मायनों में बहुत ही यूनिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ द ओनली पार्क प्रॉबेबली नॉट जस्ट इन दिल्ली बट द होल ऑफ इंडिया वेयर हेरिटेज, इन्वायरमेंट, कल्चर, फूड एंड प्लांट्स कम टुगेदर टू गिव अ वेरी होलिस्टिक एक्सपीरियंस। 90 acres में फैला हुआ ये पार्क दिल्ली का इकलौता ऐसा पार्क है जहाँ पर आपको 16th century के मॉन्यूमेंट्स भी दिख जाएंगे और एकदम 21वीं शताब्दी का फैब कैफे भी दिख जाएगा। यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर वाइज आपको मुगल एरा के बहुत ही खूबसूरत से गार्डन, पार्क्स, वाटर बॉडीज वो सब मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको ब्रिटिश लैंडस्केपिंग पार्क्स, गार्डन्स मिल जाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि चलिए आज मैं आपको इस जगह के बारे में दिखाती हूँ, और मैंने टाई अप किया है ल्यूमिक्स के साथ यहाँ पर। लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय टेलिंग यू व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड सुंदर नर्सरी। सो ये दो वर्ड से बना हुआ है, सुंदर और नर्सरी। सो सुंदर कम्स फ्रॉम सुंदर मॉन्यूमेंट, सुंदर बुर्ज, एंड दैट इज फ्रॉम द 16th century मुगल एरा के टाइम से है वो वाला जो है, जिसकी वजह से सुंदर नाम पड़ा उसका। नाउ नर्सरी व्हाई? बिकॉज 20th century में जब इंग्लिश लोग हम पे हुकूमत कर रहे थे, अंग्रेज जब हम पे हुकूमत कर रहे थे, सो दे यूज़ टू गेट दीज प्लांट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, और उनको एक्सपेरिमेंट पे कि वो इंडिया में उगेंगे या नहीं उगेंगे, उसके लिए उन्होंने ये नर्सरी बनाई थी। सो दैट्स व्हाई दे हैव रिटेन्ड द नेम नर्सरी। सो यहाँ पर तीन डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप आपको देखने को मिल जाएंगे। मुगल एरा से यहाँ मॉन्यूमेंट्स भी हैं और मुगल गार्डन्स भी हैं। मुगल गार्डन्स की खास बात ये होती है कि वहाँ पे ना घास नहीं होती है, वहाँ लीफी प्लांट्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे डोंट रिक्वायर टू मच ऑफ वाटरिंग वर्सेस इंग्लिश वेयर इट्स मोर अबाउट यू नो मैनिक्योर्ड लॉन्स एंड क्लीन स्पेसेस। सो वो जैसे अगर आप देखोगे वाटर वाली साइड पे, वहाँ पे हैं पॉन्ड्स के पास में, वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर, और पूरा सेंट्रल एक्सेस डेवलप किया गया 2020 में, विच इज़ मोर ऑन द पर्शियन स्टाइल। जहाँ इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ, ये मुजफ्फर हुसैन का म्यूजियम है, काफ़ी खूबसूरत है अंदर से। इसका रेस्टोरेशन वर्क अभी ऑन गोइंग है, अंदर इसमें लोग कारीगर लगे रहते हैं जो इसके कर रहे हैं। और ये वाला जो एरिया है बेहद शांत एरिया है, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। तो यहाँ पे आप ना हर तरह के बर्ड्स देख सकते हो। यहाँ पे सुबह सुबह इतने सारे मोर होते हैं, डिफरेंट तरह की चिड़िया होती हैं, डिफरेंट टाइप के वो मिलते हैं, लाइक आप मोर देन 80 types ऑफ बर्ड्स यू कैन सी हियर, बटरफ्लाइज मिल जाएंगे। वन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क दैट यू शुड नॉट मिस इन सुंदर नर्सरी पार्क इज द प्लेस वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ। इट्स कॉल्ड लक्कड़वाला बुर्ज। Now what's special about Lakkarwala Burj is कि ये until 2010 एकदम बहुत ही वीरान टाइप जगह में था, यहाँ बड़े बड़े घास थे सब कुछ, बट नाउ अब ये पूरा लैंडस्केप कर दिया गया है। यहाँ पर यू कैन सी मोर देन 30 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ रोज बेड। नाउ व्हाट स्पेशल अबाउट दिस इज कि ये सैंडस्टोन का बना हुआ है, और अगर आप अंदर जाके देखोगे ना तो कुरान की जो आयतें हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। अभी जिस जगह पे मैं बैठी हुई हूँ इसको कहते हैं छोटा बटेश वाला महल। ये इस पर थोड़ा रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, मतलब अंदर अगर आप देखो तो अंदर तो मेजरली रेस्टोरेशन का काम हो चुका है, बट ये वाला जो पार्ट है यहाँ हार्डली कोई आता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में था, तो जितना इसको सैलवेज किया जा सकता था वो ऑलरेडी हो गया है।
अगर आपको अच्छी हवा में सांस लेनी है या चिड़ियाओं को शूट करना है या मॉन्यूमेंट्स देखने हैं या फैमिली के साथ गुड टाइम स्पेंड करना है, डू कम टू दिस प्लेस. आई विल कीप ब्रिंगिंग यू मोर ऑफ बीट प्लेसेस फ्रॉम साडी दिल्ली एंड और भी जगह. ये दिल्ली है मेरी जान, थोड़ा बाहर निकल के इसकी खूबसूरती को ज़रा देखो. See you on the next episode of Travel See Right Unexplored Delhi.